तुम बचपन से काम कर रहे हो यार माशाल्लाह से चार साल की उम्र से और बहुत कुछ तुम्हें सीखने को मिला और अब तो तुम चीते हो गए हो माशाल्लाह से लेकिन तुमने ना एक चार साल से लेके बाईस साल की उम्र तक एक ऐसी बात है एक टाइम दिया तुम्हें अभी कैसा फील होता है कि लिपसिंग करने वाले टिकटॉकर्स हुआ होगा कभी ऐसा और वो दो कदम तुमसे एक कदम आगे निकले हुए हो सिर्फ फॉलोवर्स के लिए अगर मैं वाकई से ही बताऊँ ना तो उन सब चीजों का क्रेडिट जो है ना मैं क्लियर बोलता हूँ शरोज भाई को जाता है क्योंकि जब ये आया था सब कुछ जिस तरह से हो रहा था हिट हो रहे थे मुझसे ज्यादा फॉलोवर हो गए ये वो ये वो तो मुझे बड़ा फील हुआ ना कि मतलब यार ये क्या है ये तो दो मिनट का काम है इवन ये तो मैं भी कर सकता हूँ ये तो मेरा काम ही एवन के तो दो मिनट का काम है कर लो और हो जाएगा तो मेरा बड़ा दिल में ना हेट था इस चीज़ के लिए उनको ये मिल रहा है यार उसको ये क्यों मिल रहा है वो मिल रहा है उसको ये चीज़ क्यों मिल रही है फिर उस मैंने फिर एक चीज़ समझाई कह रहे देखो यार सीधी बात है अल्लाह ने उनके नसीब में लिखा है नंबर अगर मिल रहा है ना मिलने तो खुश रख खुश रहो उनको मिला लबाक उसको और दे अगर ये बोलना शुरू कर दिया ना खुदा की कसम तुझे भी मिलेगा और कह रहे याद रखना एक वक्त आएगा जब ये तुम्हारे सामने आएंगे ना तो खुद एक्सपीरियंस होगा इस चीज का कि नहीं यार ये वाकई बाद ना फेम है लेकिन तुम्हें वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो तुम्हें चाहिए लाइक दैट like मैंने कहा यू श्योर हाँ जो तो आप लेकिन काम मिल जाता है ना यार आप थोड़े होता है यार मैं कब से कर रहा हूँ और ये यार ये तो फिर हर किसी को होगा मेरे हिसाब से ये तो मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ हर किसी को छोड़ो नहीं मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ हर इंसान की कहना फितरत है लाइक लेकिन मैंने शुरू शुरू में बहुत किया ये चीज़ फिर मैंने इसको इट गो किया मैंने कहा यार तो फाइन काम बहुत है एक वक्त आएगा अब जैसे एग्जांपल अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात कर लू तो ऐसे भी लोग हैं ना जो कि टिकटॉक से नहीं नॉर्मली उठ के आ गए राइट जैसा कि जैसे एग्जांपल अगर मैं दूं तो अजान समी खान बचपन से काम तो नहीं कर रहा राइट अब मुझे नहीं पता चलो भले बचपन से काम किया, किया सज्जल अली भी थी तो यार देखो मैं नॉर्मल बंद होगी नहीं देख रहा और अगर मैं नॉर्मल बंदा डायरेक्टर हो जो होते हैं ना मैं उस चीज एक्टर को इतना बड़ा मार्जिन मिला कि उसकी सामने गर्लफ्रेंड है या वाइफ है वो तो वो मर गई है उसको बुलेट लगी है और तुम जिस तरह आ रहे हो उसको एक्सप्रेशन दे रहे हो तो मैं हमेशा सिर्फ यही चीज सोचता हूं जो कि आई थिंक मेरी ये वाली सोच नहीं बदल सकती इवन किया अगर ये देखना यार उसको ये मिल गया मैं ये नहीं देखता मैं ये देखता हूँ कि यार इसने इसको ऐसे क्यों नहीं किया इसने इसको इस तरीके से क्यों नहीं किया बिकॉज मैं मुझे पता है ना काम कैसे करना है क्या करना है मैं उसी वक्त अपनी सोच अपने आप को मैं नहीं लाता मैं शीशे में जाकर खड़ा होता और वही एक्ट करता हूँ दोबारा कि देखता हूँ ना कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता जब मैं एक्ट करता हूँ तो वाकई मुझे फील होता है कि हाँ यार एक्ट किया है तो इट्स लाइक दैट कि ऐसे भी लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जो कि एक्ट नहीं आता लेकिन बस आ गए कर रहे हैं काम काम कर रहे हैं कर रहे रहे हिट हो रहा है। लेकिन यू you नो know उस वक्त भी मैंने सोचा कि नहीं यार एक वक्त आएगा खुद ही जो है ना वो एक्सेप्ट करेगी कि नहीं गलत किया आप देख लें काफी ऐसे एक्टर आए थे जो कि कुछ टाइम बाद अब एकदम से गायब हो गए गा। क्यों क्योंकि वही बात है ना कि वो एक्ट नहीं कर पाए उतर नहीं पाए बस यही है कि ब्रो कि हमारे एक्टर नहीं है तो हर किसी को चांस दे रहे हैं कि यार कोई अच्छा निकले एकदम से कोई अच्छा निकले एकदम से अच्छा